हाँ बेटा, क्लास 12 मैथ मिस इंग्लिश एक्सरसाइज ऑफ लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट 1 का सलूशन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डू योरसेल्फ, आप खुद करें। सब में डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। पांचवा सवाल है, फाइंड द डी डी एक्स ऑफ वाई ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टू अपॉन अंडर रूट टू एक्स प्लस 7। जब इस तरह का सवाल आया तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक्स की वैल्यू दिया है, एक्स की वैल्यू माइनस टू से छोटा होगा और प्लस टू से छोटा होगा और माइनस टू से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए तो पहले हम अंश का अवकलन निकाल लेते हैं, किसका, अंश का, फिर हर का निकालेंगे, इसे मान रखने में हमको आसानी हो। तो डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई टू बराबर क्या होगा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर। एक काम करते हैं, अब इसका क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अपॉन वन कर लेते हैं, तो माइनस वन अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है अपॉन फोर, यहाँ वन अपॉन टू हो जाएगा, ठीक। फोर का स्क्वायर रूट हमको पता है, माइनस वन अपॉन टू लिख सकते हैं, इसको फिर वन अपॉन टू, फिर वन अपॉन रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया ये आपका, माइनस वन अपॉन फोर वन अपॉन रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, इसको टू प्लस एक्स टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में है कोई फायदा नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए, किसका, डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई टू बराबर माइनस, ऐसे वन पॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हो, फोर अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कहीं से कुछ गलत तो नहीं हुआ, नोट कर लीजिए। अरे रे 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 अपान टू हो जाएगा, ये अपान टू इससे कट जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ माइनस इतना, ठीक, ये आ गया। ये फिर क्या निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट को हम लिख सकते हैं पावर वन अपान टू, टू एक्स प्लस 7 का पावर वन अपान टू बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू इधर आएगा, टू एक्स प्लस 7 ना, इसमें से वन माइनस करेंगे तो माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस 7, तो वन अपॉन टू टू एक्स प्लस 7 या इसको वन अपॉन टू एक्स प्लस 7 पावर वन अपॉन टू लिख सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, टू, ठीक, तो टू से टू कैंसिल होगा, क्या आया, वन अपॉन रूट टू एक्स प्लस 7, ठीक है। यानी डी डी एक्स ऑफ रूट टू एक्स प्लस 7 बराबर वन अपॉन अंडर रूट टू एक्स प्लस 7, इसको नोट कर लीजिए।
आप इसको मिटा दे रहे हैं। अरे पूरा मिट गया है। वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टू कटे अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन। चलिए तो डी डी एक्स आपको वाई बराबर क्या आ जाएगा, हर गुणे अंश का अवकलन यानी अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस अंश कॉस इनवर्स एक्स बाई टू फिर डी डी एक्स ऑफ हर अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन अपॉन अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इसमें साफ सुथरा सिर्फ मान रखेंगे हम मतलब हम सब लोग, मैं नहीं, ये इसका मान कितना आया है यहां से देखो माइनस वन अपान अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपान अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस चलो बेटा इतना हमने हल कर लिया, दो तीन स्टेप केवल मान करके यहां तक हल किया है। अब क्या करना है, अभी काम ये करो आंसर तो यही हो गया है आपका, आंसर तो यही आपका हो गया, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करते हैं जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है। इसको लिख सकते हैं माइनस टू अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम अपॉन टू एक्स प्लस सेवन कार्डी में कर सकते हैं, फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय टू अपॉन अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन, इसको भी अपॉन वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अंडर रूट हट गया बेटा नहीं, अपॉन टू एक्स प्लस अपॉन वन। अब बेटा वन भी चला जाएगा ऊपर तो माइनस टू अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें टू एक्स प्लस सेवन माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू इंटू वन अपॉन अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन इंटू टू एक्स प्लस सेवन पावर वन, ये कट जाएगा इसे अंडर रूट आ जाएगा। माइनस टू कहां चला आया, अब क्या हुआ ये माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट टू एक्स प्लस, अच्छा यहां भी अगर काटेंगे तो अंडर रूट में आएगा अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन माइनस, अब इसका दोनों का पावर अगर जोड़ेंगे बेटा थ्री अपॉन टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन टू एक्स प्लस सेवन पावर थ्री अपॉन टू, यहाँ पावर वन यहाँ पावर वन अपॉन टू यहाँ पर थ्री अपॉन टू हो जाएगा। आंसर देखें इसका, ठीक है आंसर सही है, केवल एक गड़बड़ी ये है बेटा यहाँ माइनस चिन्ह था यहाँ माइनस चिन्ह था यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ठीक है ऐसा भी कर सकते हो आप लोग माइनस को कॉमन ले सकते हो पूरे में यहाँ माइनस लगा सकते हैं, ठीक है थैंक यू सो मच, इसको नोट करिए। देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपका है सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। एक काम करते हैं वन प्लस साइन एक्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चल वन प्लस साइन एक्स को
वन को लिख सकते हैं हम साइन, भाई साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स बराबर होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, ये आएगा इसकी जगह साइन एक्स की जगह पर। और जानते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एक, यहाँ एक्स का कुछ भी मान लीजिए आप, जैसे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तभी कितना होगा ये वन होगा। हम वन की जगह पर लिख दिए बराबर क्या साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, अभी बेटा हो गया ये साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स बराबर ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। अब बेटा इसी वन प्लस साइन वन, अब इसी तरह से वन माइनस साइन एक्स का करोगे यहाँ केवल माइनस का चिन्ह आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। पहले अब हम वाई को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको वाई को वाई बराबर क्या हो जाएगा इसकी जगह पर साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू अपान इसका साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस इसका मान यहां से साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, ये तो कट गया बेटा। अब ऊपर वाला तोड़ो, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपान साइन एक्स बाई टू, ये बेटा ये कट गया, ये यहाँ टू होगा साइन टू टू साइन एक्स बाई टू, तो क्या हो जाएगा ये टू कॉस एक्स बाई टू अपान टू साइन एक्स बाई टू, टू 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 कैंसिल बराबर कॉट एक्स बाई टू। आप केवल फार्मूला लगा दो आपका आंसर हो गया, नोट इट प्लीज। आप क्या करेंगे भाई, आप लीन करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बाई टू, ये तो फार्मूला ही तो है, चलो नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 7-8 आप खुद हल करें, ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, सॉल्व कर भेज दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो पावर लगा हुआ है, बिना लॉग लिए काम नहीं चलेगा, दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए, लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूरे पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये बगल चला आएगा बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग वाई बराबर, सेम रूल से आप कर सकते हैं, इसका मान क्या होगा वन अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद गुणे पहले पद का अवकलन, चलो पहला पद साइन एक्स माइनस कॉस एक्स गुणे दूसरे पद का अवकलन लॉग एक्स कितना होता है वन पॉन एक्स वन पॉन साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फिर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक बेटा। प्लस दूसरा पद लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलो ये बेटा इससे कट जाएगा, ये बराबर क्या हुआ इसका बोलो, ये तो कट जाएगा ना, ये इससे कैंसिल। अब साइन एक्स का अपन क्या होगा बेटा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग नहीं प्लस प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका क्या आ जाएगा फिर वही साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या हुआ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पूरे में कॉमन, यहां क्या बचेगा वन प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आप डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा वाई का गुणा इसमें हो जाएगा वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस लॉग, पता दिख रहा है कि नहीं दिखेगा, लॉग लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। वाई का मान रख देंगे हम डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, वाई का मान यहां से रख दीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूरी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इन ब्रैकेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तेरा आंसर मिला है कौन सा था नौवा, नौवा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सही है बेटा ये आंसर आपका सही है, नोट इट प्लीज, कृपया नोट कर लें बेटा। दसवां सवाल आपको कुछ करना आपको खुद करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट निकल जाएगा लॉग से, ठीक, इसका भी डिफरेंशिएट निकल जाएगा, ये बगल आएगा ये पावर माइनस वन हो जाएगा, इसका ए पावर एक्स का फार्मूला है, इसका क्या हो जाएगा इसको ए पावर ए डी डी एक्स आपको वन ले लीजिए कांस्टेंट है बराबर जीरो हो जाएगा पूरा इसका, ठीक है। तो इसका लॉग लेंगे, ये फार्मूला है ए एक्स को बगल लेकर के पावर माइनस वन कर दीजिए, ठीक है, या इसे ए पावर एक्स है तो इसको कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए कि पी बराबर है, ठीक है, तब भी लॉग लेंगे तो एक्स लॉग ए आएगा, लॉग ए का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, फिर ए लॉग एक्स मतलब हल कर लेंगे तो आ जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।